दोस्तों नमस्कार। पिछले वर्ष 15 अगस्त को मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर केपी एडवेंचर सीनियर सिटीजन के नाम से अपना ट्रैवल चैनल शुरू किया था। एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बीच मैंने 50 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो तथा शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। आज एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं अपने चैनल का नाम केपी एडवेंचर सीनियर सिटीजन से नाम बदलकर ट्रैवलिंग देसी बुढ़े या ट्रैवलिंग सीनियर अराउंड द ग्लोब रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज थोड़ा हट करके मैं एक नई ट्रैवल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा एक्सपीरियंसेस ऑफ देसी बुढ़े, जिसके हर एपिसोड में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय पर्यटकों के साथ विदेशों में सबसे ज़्यादा सघन पूछताछ क्यों होती है और उन्हें हर जगह हिकारत की नज़रों से भी देखा जाता है। हर एपिसोड में मैं अपने साथ घटी घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन करूंगा। तो लीजिए पहले एपिसोड की मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी समस्या जो भारतीय पर्यटकों के साथ जुड़ी है कि आखिर क्या और वो कौन से कारण हैं कि भारतीय पर्यटकों की विदेशी जमीन पर एयरपोर्ट से लेकर बसों और होटलों तक इतनी गहन जांच पड़ताल होती है। यह क्या एथनिक कारणों से है या इसके पीछे हमारी जानबूझकर बिगाड़ी गई इमेज या हम खुद वहाँ के आदतन नियमों को और स्थापित सामाजिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं या कोई अन्य कारण है। इस सीरीज में हम विदेशों में भारतीय पर्यटकों की इतनी जांच पड़ताल के कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम बताएंगे, साथ ही मेरे साथ किस किस देश में कब कब कैसे भारतीय होने के कारण परेशान किया गया यह भी बताने की कोशिश करूंगा। केवल एयरपोर्ट पर ही नहीं, आजकल तो होटल में चेक इन करते समय भी भारतीय पासपोर्ट देखते ही उनके सुर कुछ बदले बदले से नज़र आने लगते हैं। अपवाद हर जगह है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वहां के छापामार दलों के द्वारा भी प्रायः केवल भारतीय पर्यटकों के ही टिकट चेक किए जाते हैं। वैसे अमूमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जांच खासकर बसों में ही होती है। मेट्रो में तो वही व्यवस्था है जो इंडिया में है कि कार्ड या पास पंच किया जाता है। दोस्तों जो लोग मेरा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं उन्हें मालूम है कि हम लोग 81 देश घूम चुके हैं और जब आप इतना भ्रमण कर लेते हैं तो आपके साथ तमाम छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं भी होती हैं जिसमें आप बुरी तरह से घबरा जाते हैं, पर कुछ मामलों में आनंदित भी होते हैं, जबकि कहीं कहीं आप हंसी के पात्र भी बन जाते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। मैं इस सीरीज में ऐसे क्षणों के बारे में भी एक एक करके विस्तार से बताऊंगा, साथ ही कुछ रिलेटेड तस्वीरें और वीडियो भी दिखाऊंगा। अगले एपिसोड में आपको हम विस्तार से एयरपोर्ट पर गहन जांच सुरक्षा के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। इस समय हम आपको अपनी पहली ही यात्रा में घटी एक घटना के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हंसी रोक नहीं पाएगी, साथ ही आपको विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व की पहली सीख भी देगी। अब आइए आपको चेकिंग से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनाते हैं। बात 1999 की है जब मैं दिल्ली से जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे की अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहा था। यह यात्रा पर्यटन
के लिए नहीं थी बल्कि भारत सरकार के एक उपक्रम TCIL द्वारा जिम्बाब्वे के बुलवायो में चल रहे विश्व बैंक के एक प्रोजेक्ट में मुझे 2 वर्ष के लिए तैनाती मिली थी। दोस्तों, विदेश यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक और कस्टम के स्टाफ द्वारा उनके एयरपोर्ट और उनके देश के हित के लिए जो सबसे ज़्यादा चेकिंग की जाती है वह धारदार हथियारों, विस्फोटक पदार्थों और ड्रग्स तथा उससे जुड़ी सामग्रियों से होती है। इसी तरह की कुछ घटना मेरे साथ हुई है। अब आइए हमारे एयरपोर्ट पर मेरे साथ क्या घटी उसे विस्तार से बताते हैं। इमिग्रेशन से निकलते ही बैगेज कलेक्शन के बाद पता नहीं पूरी फ्लाइट में से केवल हम ही थे जिनको पुलिस या कस्टम वालों ने रोक लिया और बाकी फ्लाइट के सारे लोगों को जाने दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा वेट निकलो, लंबा चौड़ा था, मैं डर गया। मैं खड़ा रहा, जब सबको चेक कर लिया तो मेरे पास आया और कहा कि अपना बैग खोलिए। मैंने बैग खोला, बैग खोलने के बाद उसने उसमें से ढूंढ ढांड के एक पॉलिथीन निकाला, उसमें मूसा के गुल के डिब्बे तंबाकू के रखे हुए थे 10 डिब्बे। उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा ये दंत मंजन है, जैसे आप लोग पेस्ट अपने दांतों पर करते हैं उसी तरह से ये मंजन हम ऐसे करते हैं। तो उसने कहा कि वेयर इज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, हमने कहा प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, और फिर पूछा कि इतने डिब्बे लेकर के क्यों जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं 5-6 महीने के लिए यहाँ आया हूँ फिलहाल, तो 15 दिन में मेरा 1 डिब्बा ख़त्म हो जाता है, उस हिसाब से मैंने 10 डिब्बे रख लिए हैं। फिर उसमें से पता नहीं कि एक को क्या सूझी, उसने गलती से 1 डिब्बा खोल दिया, और जब खोला तो सील डिब्बे में भी ऊपर थोड़ी सी डस्ट थी, उसको सूंघते ही वो बेहोश हो गया। और जैसे ही वो बेहोश हुआ मेरी आफत आ गई, उन्होंने मुझे डिटेन कर लिया, ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लिया और पूछताछ करने लगे, बस मारा पीटा नहीं पूछताछ करने लगे। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उनके समझ में शायद आ गई बात, तो उन्होंने इंडियन एम्बेसी को फ़ोन मिलाया। वहाँ पे उस समय जो मौजूद थे डिप्टी हाई कमिश्नर, वो बिहार के रहने वाले थे, वहाँ बिहार में गुल बहुत चलता है, तो उनको मैंने पूरी बात जब बताई तो पहले तो हंसे बहुत तेज, फिर उनको उन्होंने कन्विंस कर दिया। जब कन्विंस कर दिया तो उन्होंने कहा नाउ यू कैन गो। 3 घंटे के बाद मैं बाहर निकला, मुझे लगा किसी बुलाते ही ओले पड़े, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी और ऐसी घटना घट गई। कहे बाहर सुनील कुमार साहब जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में पहुंच चुके थे वो मुझे रिसीव करने के लिए खड़े थे, वो भी परेशान थे कि 3 घंटे में क्या हो गया ऐसा। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरा एपिसोड पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएँ, तथा अगला एपिसोड ज़रूर देखें जिसमें कैसे हमें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर सन 2000 में पूरे परिवार को बंधक सा बना लिया गया था, तथा यह भी आपको हम बताएंगे हर एपिसोड में कि कैसे कैसे कहां कहां चेकिंग होती है, किस किस चीज़ की होती है और आप कैसे सावधानी बरतें हैं।